हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टैटिक्स का लैक्चर नंबर 19 करन जा रहे हैं। तो 19 लैक्चर के अंदर असी थर्ड बी एक्सरसाइज करते पे हैं स्टैटिक्स की, तो वह करा 7th क्वेश्चन। उम्मीद करदा कि तुहानू ये वीडियो पसंद आएगी, सो तुसी लाइक जरूर करोगे। कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके भी दसोगे, तो नाल दी नाल जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया होगा तो वह भी कर दोगे। हाँ जी, अ स्ट्रिंग इज़ टाइड टू टू पॉइंट्स एट सेम लैवल। आ देखो, एक साढ़े को ना स्ट्रिंग आ ए ओ बी, सेम लैवल आ। देखो इन्हों का सेम लैवल से टाई किए हुए आ। ओके, एक स्ट्रिंग होगी ए ओ बी, एक साइड ए ओ, दूसरी साइड ओ बी। तो इन अपना टेंशन T1 तो T2 सपोज की हुई है। T1 T2 नहीं आनी, सेम टेंशन आएगी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। सो T आप सपोज कर ली टेंशन। ओके, एंड स्मूथ रिंग ऑफ वेट WKG विच कैन स्लाइड फ्रीली अलोंग स्ट्रिंग पुल्ड बाय होरिजोंटल फोर्स, पुल्ड बाय होरिजोंटल फोर्स, वो आप फोर्स लगाने होरिजोंटल फोर्स PKG इफ इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग इनकलाइंड एट एंगल, स्ट्रिंग इनकलाइंड एट एंगल 60 and 30 टू द होरिजोंटल, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इधर असी एक फोर्स लगा रहे हैं, ये साड़ी होरिजोंटल लाइन आ। होरिजोंटल लाइन पर एक असी इतने फोर्स, सानू कि फोर्स लगाने क्या फोर्स पी फोर्स अप्लाई करांगे। इस तरीके पुल करांगे, इतने एक वेट है साढ़े को WKG, असी शो किस तरीके करते हैं डाउनवर्ड करते हैं, शो वेट में आप हमेशा डाउनवर्ड शो करांगे। इतने एक वेट आ, एक किस तरीके आ वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करदा। हाँ जी, इस तरीके जी साढ़े को एक हो गया वेट, ये साढ़े को स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग के अंदर ना एक इतने रिंग पाया हुआ, मैं चलो ये एक जंडू बाम लगा दती है नाल, तुसी इनू रिंग समझ लेना। इस तरीके दो पॉइंटा के उपर असी टाई किया सेम लैवल से, इदा नहीं मतलब सेम लैवल है उपरों। ओके, सेम लैवल से असी टाई किया। एक स्ट्रिंग सपोज करो छोटी है क्योंकि एक बने एंगल वड्डा बन रहा, एक बने छोटा बन रहा। आ देखो बिल्कुल इस तरीके है जी, आ देखो इस तरीके, देखो इस तरीके होएगा। एक साइड पर एंगल 60 बन रहा, एक साइड पर एंगल 30 बन रहा। इस तरीके असी उन्हें टाई किया। ओके, तो की किया, वैसे तो एंगल सेम बनने चाहिए सी, बट असी ने एक फोर्स लगा के इधर थोड़ी खिंचन की कोशिश की, जिद नाल कि होना 60 हो जाना, ये 30 हो जाना। सो एक फोर्स की उन्हें पुल करने के लिए, ठीक है जी। इस तरीके आ साढ़े को, इस तरीके जो हो तो असी इतने एक फोर्स लगा के इनू पुल करने की कोशिश की। पुल करने नाल की होना एंगल ये 30 हो जाना, ये 60 हो जाना। तो फोर्स किनी अप्लाई करिए सो दैट एंगल 30 तो 60 हो जाए, वो असी फाइंड करा। तो टेंशन किनी पै रही है, टेंशन किन्नी पै रही है वो आपां वो भी फाइंड करांगे। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन किन्नी हो रही है वो भी आपां फाइंड करांगे। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान दे नाल समझियो। मैं एक बार फिर रिपीट कर देवां, ए ओ बी एक स्ट्रिंग है, इहदे च असी टेंशन सपोज कर ली टी, ते एक पी फोर्स गिवन आ, ये असी फाइंड करनी है किन्नी होएगी। पी क्या गया बट ये फाइंड करांगे किन्ना आंदा इहदा आंसर। ते WKG वेट आ इस रिंग का जो भी असी नाल टाई किया होया स्ट्रिंग के अंदर। तो सब तो पहले असं लिखांगे, सब तो पहले असं लिखांगे लैट टी बी टेंशन इन द स्ट्रिंग केड़ी स्ट्रिंग आ ए ओ बी। पी बारे तो सानू पता ही है, ये भी गिवन है पी फोर्स अप्लाई की होरिजोंटल फोर्स, तो एक वेट एक्ट करता पे, सानू पता ही मैंशन करन दी जरूरत नहीं। देखो हुण असी रिजोल्ट पार्ट लैने हैं, असी रिजोल्ट पार्ट लैने हैं अलोंग होरिजोंटल एंड वर्टिकली, होरिजोंटली एंड वर्टिकली। पर सारिया फोर्सेज असी होरिजोंटल ते लैके आउणी आ रिजोल्ट पार्ट लैके, ये होरिजोंटल लाइन ये वर्टिकल लाइन। सब तो पहला एक मैनू ए टी फोर्स दिखाई दे रही है, जिस साइड पर एंगल बनता हों उधर आप कॉस लगाने वो परपेंडिकुलर साइड पर आप साइन लगाने। सो इस टी फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस साइड पर आ गया, कितना आ गया टी कॉस
60 इहदा एक कंपोनेंट इस साइड ते आ गया टी साइन 60। इस टी दे दो कंपोनेंट मैं लिख ले, इस टी दे दो कंपोनेंट लिख ले, एक टी कोस 60 आ गया, एक टी साइन 60 आ गया। इहदा रोल खत्म हो गया, हुण असीं इहदे दो कंपोनेंट ही यूज करांगे, इहदा रोल खत्म। इदां ही असीं ए टी इहदे वी दो रिजल्ट पढ़ लवांगे, इहदा एरो जे इधर नूं ते इधर नूं शो करांगे आपां। एक हो गया टी एंगल, क्योंकि 30 आ, 30 एंगल दी साइड ते आएगा कोस 30, ते दूजे साइड ते आएगा साइन टी साइन ऑफ 60। जिस साइड ते एंगल होवे उधर आपां लगावांगे कोस, दूसरी साइड ते साइन। सो इहदा रोल भी खत्म हो गया, क्योंकि इहदे वी असीं दो रिजल्ट पार्ट ले लिया, एक टी साइन 30, एक टी कोस 30। सो हुण ये सपोज करो इस स्ट्रिंग इहदी जो भी टेंशन आ इहदा रोल खत्म हो गया, उहदी असीं रिजॉल्ट पार्ट लै ले। हुण असीं फोर्स नूं रिजॉल्व करांगे। हाँ जी, टेकिंग रिजॉल्ट पार्ट अलोंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सब तो पहले हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी। ये अलोंग कि फोर्सिज आ, एक साइड पर साढ़े को पी प्लस टी कोस 60 इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम च सानू क्या होया, क्योंकि सानू ये क्या होया कि वो इक्विलिब्रियम च फोर्स ऐसा बना लगाई है असी। देखो साड़ी एक टी फोर्स लगती भी, एक टी फोर्स लगती भी, एक वेट डिजेक्ट करता पाया, असं पी फोर्स ऐसा बना लगाई कि वो इक्विलिब्रियम च आ जाए। जो इक्विलिब्रियम च आ रही है तो की होना, एक साइड पर हो गई दो फोर्स, दूसरी साइड पर है टी कोस 30, टी कोस ऑफ 30, ठीक है, ओके। इदा ही यह अलोंग होरिजोंटल हो गया, इहदा इक्वेशन नंबर फस्ट हो गया। हुण वर्टिकली, वर्टिकली रिजॉल्ट पार्ट लईए, टी साइन 30, टी साइन 30 प्लस टी साइन 60, दूसरी साइड पर साढ़े कोल वेट डबल्यू, ठीक है जी। एक साइड पर डबल्यू, दूसरी साइड पर टी कोस टी साइन 30 एंड टी साइन 60। यह होगी इक्वेशन नंबर सैकेंड। इन्हों दोनों आप सॉल्व करके इतों पी ते टी फाइंड करांगे। सब तो पहला इक्वेशन नंबर फस्ट, नाउ फस्ट इंप्लाइज पी इज इक्वल टू टी कॉमन कोस 30 माइनस कोस ऑफ 60। इनू सिंपलीफाई करोगे, अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, सो ये होगी साढ़े कोल टी ओवर टू एंड अंडर रूट 3 माइनस 1/2, ये होगी साड़ी इक्वेशन नंबर थर्ड। टी की वैल्यू इतने पुट करांगे फिर साड़ा आंसर आएगा। हुण इक्वेशन नंबर सैकेंड लो, इक्वेशन नंबर सैकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सैकेंड। हुण असीं इक्वेशन नंबर सैकेंड देखांगे और सिंपलीफाई करांगे। असीं ये भी कर सकते सी, क्योंकि इहदे विच दो वेरीएबल आ पी एंड टी, इहदे विच एक ही आ क्योंकि ये तो गिवन आ वेट। तुसीं पहले इक्वेशन नंबर सैकेंड नूं भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो जो भी उहदा आंसर आएगा वो इत्थे सबस्टिट्यूट करके उत्थों पी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर सैकेंड सिंपलीफाई करन जा रहा। हाँ जी, टी साइन टी कॉमन साइन 30 प्लस साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू वेट डबल्यू, टी कॉमन। नाउ साइन 30 1/2, साइन 60 अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू डबल्यू। नाल ही असीम लै लो, नाल ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ताडे कोल आ जाना 2/√3+1। वैसे आंसर आ चुके पर अंडर रूट 3 ओवर च होने करके इनू असं थोड़ा जहा सिंपलीफाई कर लाँगे। किस तरीके सिंपलीफाई करोगे, रैशनलाइज करके, अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 में 2, 2 के 2 कैंसल आउट हो गए। सो साढ़े कोल टी की वैल्यू आ चुकी जी
टू तो कैंसिल आउट हो गए, अंडर रूट थ्री माइनस वन नाल डबल्यू। सो ये साढ़े कोल आंसर आ चुकिया, टेंशन मिल गई। इस टेंशन नूं पुट करोगे इक्वेशन नंबर थर्ड विच, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड तो उत्थे तुहानूं पी जिहड़ी पुल आ उह तुहानूं मिल जाएगा, अंडर रूट थ्री माइनस वन नाल डबल्यू, अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर टू के जी। इनू तुसीं सिंपलीफाई कर लियो वो तुहाडा आ जाएगा, पुल आ जाएगी, वो फोर्स आ जाएगी। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। जस्ट रिजल्ट पार्ट आने चाहिए आ करने, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आ। जिहड़ियां अपवर्ड ओरिजोंटल तो उपर जो फोर्सिज आ उन्होंने तुसीं नीचे इन्हों दे इक्वल रख दो, इदा ही इस ओ पॉइंट तो जिहड़ियां इधर फोर्सिज आ उन्होंने इहदे इक्वल रख दो। हुण देखो इहदा असीं रोल खत्म करता सी, उसदे असीं रिजल्ट पार्ट लै लए। इदे असीं इस फोर्स का रोल खत्म कर दिता, उहदे असीं इह वाले रिजल्ट पार्ट लै लए। कहिण दा मीनिंग होया कि इन्हां दे असीं रोल खत्म कर दिते इस तरीके। हुण तुहाडे कोल इह वालियां फोर्सिज, तुसीं इन्हां वल देख के उन्हां दे इक साइड ते ना रुकोगे, इक साइड ते ना रुकोगे, इक साइड ते ना रुकोगे, इक साइड ते इन्हां नूं रुकोगे, इक रखोगे, तुहाडे कोल सिंपलीफाई करके पी ते टी आ जाणगे। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हांजी, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8। अ फाइन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक स्ट्रिंग है साढ़े कोल, कौन स्ट्रिंग आ? ए ओ बी ये साढ़े को एक स्ट्रिंग आ, अटैच्ड टू पॉइंट ए एंड बी। आ एक साढ़े कोल ए ते बी दो पॉइंट इन्हां दे नाल अटैच किए हैं। एक स्ट्रिंग नूं आपां इत्थे टाई किया, एक साइड आपां इत्थे टाई किया। ओके, ए ओ बी साढ़े कोल टोटल टू। ए जे मैं एक्स सपोज कर लाँ तो ए हो जाएगी मेरे कोल 2 माइनस एक्स, ये मेरे कोल हो जाएगी 2 माइनस एक्स। हाँ जी, ये हो जाएगी मेरे कोल 2 माइनस एक्स। ये मैं साइड एक्स सपोज कर ली। मैं इतने लिख देना पहले लेंथ, जिन्ना का अपन समझ लगी स्टेटमेंट, लेंथ ए ओ बी किन्नी साढ़े कोल टोटल 2 मीटर। ओके, तो जे मैं लेट कर लाँ, लेट ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, सो विच इम्पलाइज, सो ओ ए होएगी मेरे कोल 2 माइनस एक्स। ये 90 डिग्री एंगल होएगा, क्यों होएगा वो अपना स्टेटमेंट समझते हैं, फिर तुहानू समझ आएगी। तुसी हजे सपोज कर लो कि 90 आ, मैं बाद समझाना कि 90 डिग्री क्यों आ। सो असीं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो की आएगा तुहाडे कोल 2 माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। मैं स्टेटमेंट बाद समझाना, आप थोड़ा जा इनू समझ लिए। ये आ जाएगा तुहाडे कोल 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 4 एक्स प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1, 2 एक्स स्केयर माइनस 4 एक्स ते प्लस हो गए 3 इज इक्वल टू 0। इनू हुण तुसीं इहदे दो फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई करन ते 6 आना चाहिदा ते डिवाइड करन ते तुहाडे कोल, हाँ जां असीं एक्स स्केयर तो कैंसल समथिंग प्लस एक्स स्केयर हाँ जी एक्स स्केयर आप इतने कैंसल ही कर सकते सी, बट कुछ गलत हो गया लगता। एक हूँ मैं चेक कर लवा 2 माइनस एक्स स्केयर, हाँ गलत हो गया, पाइथागोरस आप गलत लगाती, हाइपोटेन्यूज स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1 इस तरीके आना सी, इतने इक्वल आना ही। एक्स स्केयर तो कैंसल ही हो गया, एक्स स्केयर तो कैंसल आउट हो गया। सो साढ़े कोल की बचा, बाकी साढ़े कोल बचे 4x इज इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू आ गई 3/4। x का मीनिंग यह होया कि साढ़े कोल ओ बी साइड मिल गई, ओ बी साइड किन्नी मिल गई 3/4 मीटर। सो ओ ए साइड किन्नी होएगी, इनू 2 चो माइनस कर दो,
क्योंकि साढ़े कोल की सी 2 माइनस एक्स, तो आ जाएगी तुहाडे कोल 5 ओवर 4, 8 माइनस 3 5 ओवर 4। हुण जी ये मिल गई तो तुसीं ईजीली देखो जी इनू मैं जे थीटा सपोज कर लाँ इस एंगल नूं, जे मैं इनू थीटा सपोज कर लाँ तो तुसीं बड़े ईजीली साइन थीटा लिख सकदे किन्ना होएगा। साइन थीटा की हुंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जे ये थीटा तो दे सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस ए हाइपोटेन्यूज, तो की आ जाएगा साढ़े कोल ए बी ओवर ओ ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ए साइड होगी मेरे कोल हुण 5 ओवर 4, ए एक्स आ चुके मेरे कोल 3 ओवर 4। सो 5 ओवर 4 1 ओवर 5 अपॉन 4 दैट इज़ 4 अपॉन 5, जे तुसी इहदे कोस थीटा कैलकुलेट करोगे वो आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओ बी ओवर ओ ए, वट इज़ ओ बी इज़ 3/4 ओवर हाइपोटेन्यूज 5 ओवर 4 दैट इज़ 3 ओवर 5। ये सो साढ़े को साइन थीटा ते कोस थीटा दी वैल्यूज भी आ गई। हुण इस तो अगे करन तो पहला ये तो बेसिक जी चीज़ा से तुम समझ आ गई हो गई, मैंने दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये सारा कुछ क्यों किया हूँ आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ा तो सारी जो स्टोरी है वो समझ आ जाएगी। अ स्ट्रिंग लेंथ 2 मीटर अटैच, आ टोटल 2 लेंथ है अटैच किया उन्होंने ए तो बी पॉइंट के नाल, जिस तरीके मेरे को होवे देखो ये मेरे को एक स्ट्रिंग आ ए बी, आ होगी ए, एक साइड होगी ए तो एक साइड होगी बी। ये मैं एक स्ट्रिंग ए एक स्ट्रिंग ए वाली स्ट्रिंग ए ओ बी ए मैं आ देखो मैं अटैच करती नाल, आ जो ए 1 मीटर है डिस्टेंस, ये टोटल नीचे 2 मीटर है। ओके उस तो बाद की करना असी एक फोर्स लगानी है, ये जो बॉडी नीचे जिदा जो भी वेट होएगा 4 kg, ये तो असी फोर्स लगानी है। हुण हेल्प ली चाहिदा सी, मैं चलो एक साइड नूं आपां टाई कर दिंदे आ, नाल समझण की कोशिश करियो। हाँ जी आ देखो ये है साडी डायग्राम, इदां समझ लो स्ट्रिंग आपां छोटी करती थोड़ी। हुण करना सी की आ, ये इस तरीके समझो इत्थों लैके ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर, ए ओ बी ए 2 मीटर, उस तो बाद सानू क्या कि इत्थे एक फोर्स अप्लाई करनी, इनू इधर फोर्स लगानी, फोर्स ऐसा बना लानी आ कि ये बिल्कुल वर्टिकली बिलो पॉइंट बी आ जाए, वर्टिकली बिल्कुल बिलो बी आ जाए। आ देखो ये टोटल सी ए ओ बी 2, एक तो इतने भी अटैक्ट करना सी इहदा 4 kg, बट सानू ये कहा गया कि इत्थे एक फोर्स लगाओ। देखो समझो कितने कहा गया सानू फोर्स लगाने लई, विच आर 1 मीटर अपार्ट अ स्मूथ रिंग ए वाला ऑफ वेट 4 kg, 1 द स्ट्रिंग इज एक्टेड अपॉन बाय होरिजोंटल फोर्स एफ विच होल्ड इट इन इक्विलिब्रियम वर्टिकली बिलो बी। एक फोर्स अप्लाई की है, वैसे तो देखो ना जो असी कोई भी स्ट्रिंग इदा अटैच करते हैं ए तो बी के नाल, उन्हें इतने आना से साढ़े को किया, फोर्स लगा के वर्टिकली बिलो बी लैके आए, उन्होंने उस पॉइंट वर्टिकली बिलो बी लैके आए। देखो जो फोर्स इधर करोगे तो उन्हें इस साइड में जाना सी उस बॉडी ने, बट असी वर्टिकली बिलो बी लिया इस साइड में फोर्स लगाने हैं, वर्टिकली बिलो बी आ जाए। ओके हुण होना कि ये टेंशन भी आएगी क्योंकि आप एक वेट एक्ट करा रहे हैं नीचे, ये एक टेंशन आएगी टी, स्ट्रिंग टेंशन कि आएगी टी, सो टी अपना टेंशन सपोज कर ली, एक एफ फोर्स लगाई आ ता जो साड़ी जिहड़ी बॉडी आ साडा जो रिंग आ ऑफ वेट 4 kg वर्टिकली बिलो बी आ जाए, ये होरिजोंटल लाइन ये वर्टिकल लाइन, सो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये साड़ी स्टेटमेंट है, तो पूछा की है सानू, पूछा की है सानू हुण इक्विलिब्रियम विच दित्ता होया पूरा सिस्टम, तो पूछा ये आ ये फोर्स फाइंड करो, फोर्स किनी अप्लाई करिए सो दैट होवे कि तो इक्विलिब्रियम च हो जाए, तो टेंशन टी भी आप फाइंड करांगे। चलो हुण आप इस क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये चीज़ तुसी समझ चुके होवोगे। हुण आप लैने रिजॉल्व पार्ट, हुण आप लवेंगे रिजॉल्व पार्ट।
हम आप लवेंगे रिजॉल्व पार्ट. टेकिंग रिजॉल्व पार्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. एंड वर्टिकली हाँ जी. सब तो पहला जिस तरीके असी पहला मैनशन किया साड़ी होरिजोंटल लाइन, ये साड़ी होरिजोंटल लाइन ठीक है जी. इन असी एक्सटेंड कर दिता कि यह फोर्स अप्लाई की हुई आप इस टी दे दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलोंग होरिजोंटल लाइन एक अलोंग वर्टिकल लाइन. ये एंगल आप थीटा सपोज किया, सो जिधर एंगल थीटा सपोज किया इधर यदा कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा. इहदा रोल खत्म हो गया क्योंकि वो असी दो कंपोनेंट लै चुके हैं. देखो ये फोर्स नू असी होरिजोंटल ते वर्टिकल लाइन ते लै आंदा, इहदा रोल हो गया खत्म. इस तो बिना होर कोई फोर्स सानू दिखाई नहीं दे रही. थोड़ा गला ठीक ना होने करके आवाज़ क्लीयर नहीं, सो एडजस्ट कर लियो. हाँ जी समझ लियो इदा ही. हाँ जी रिजल्ट पढ़ लीए पहले अलोंग होरिजोंटल लाइन की आ जाएंगे टी साइन थीटा. टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दूसरा टी प्लस टी कोस थीटा, टी तो एक पहला ही सी, एक रिजल्ट पढ़ आ गया टी प्लस टी ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू फोर. ये हो गई इक्वेशन नंबर सैकेंड. इन दो इक्वेशन सोल्व करके आप इतों टी फाइंड करा, होर की फाइंड करना, एक फोर्स किनी अप्लाई की वो फाइंड करा. सब तो पहला इक्वेशन नंबर सैकेंड, इक्वेशन नंबर सैकेंड इंप्लाइज टी कॉमन वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू फोर. कोस थीटा असी पिछे फाइंड कर चुके हैं, किन्ना फाइंड किया सी आपां, कोस थीटा सी साढ़े कोल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज फोर कैन थ्री ओवर फाइव, ए सी थ्री ओवर फाइव. सिंपलीफाई करो फर्दर, एट ओवर फाइव. सो टी आ गया फोर इंटू फाइव ओवर एट, दैट इज़ टेंशन मिल गई फाइव ओवर टू के जी. इन पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच, इन फर्स्ट विच पुट कर दोगे टी, वट इज़ टी, टी इज़ फाइव ओवर टू. ओके साइन थीटा, साइन थीटा की सी मैं पहले आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो सी फोर ओवर फाइव, वो सी फोर ओवर फाइव इज इक्वल टू वट एफ. हुण फाइव नाल फाइव कैंसल आउट हो गए, सो एफ की वैल्यू साढ़े को बची टू के जी. सो फोर्स आ गई मेरे को टू के जी, तो टेंशन आ गई फाइव ओवर टू, टेंशन आ गई फाइव ओवर टू, तो फोर्स आ गई टू के जी. उम्मीद करदा कि तुहानू ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होणगे. इस तो बाद मैं एक्सरसाइज नैक्सट जो लास्ट एक्सरसाइज है सी वो शुरू करन जा रहा. सो थैंक यू.